कहाँ गई थी तुम आज? फारिस से मिलने के लिए गई थी अलिश्बा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इस कदर शर्मिंदा करवाओगी। कब तक मैं लोगों को गवाहियां देती रहूंगी कि उस लड़के का तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है? बताओ मुझको। मामा, जो आप समझ रही हैं वो सच नहीं है। हमारा जो सच है ना, उसका विजुअल प्रूफ भेजा है मुझे जुबैर साहब ने तुम्हारी और फारिस की मुलाकात का। मामा, मैं सिर्फ उसकी मिन्नत करने गई थी कि वो घर वापस चला जाए। तो तुम मान रही हो कि तुम्हें मालूम था वो लड़का कहाँ पे होगा? सुबह भाई की उससे बात हुई थी, उससे पहले मैं नहीं जानती थी। अलिश्बा, मैं तुमसे बहुत आराम से आखिरी मर्तबा पूछ रही हूँ, क्या सादान से शादी से इनकार की वजह फारिस है? बताओ मुझे। मामा, साबित कर सकती हो उस बात को? समझी नहीं। तो मुझे हर दफा ये कहती हो कि फारिस तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और हर दफा तुम इसे प्रूव करने में नाकाम रह जाती हो। यकीन जानो अलिश्बा, अब तो मुझे समन की तरह यकीन होने लग गया है कि वो तुम्हारी जिंदगी से कहीं नहीं गया। मैं नहीं जानती मामा कि मैं इस बात का आपको कैसे यकीन दिलाऊं। सादान से शादी कर लो, मैं मान जाऊंगी कि फारिस तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। अलिश्बा, फैसला तुमने करना है, या तो सादान से शादी कर लो या फिर फारिस को बोलो कि आकर मुझसे बात करे। सी बात, वही बात जो तुम दोनों मुझसे करना चाहते हो अलिश्बा। मामा, ऐसी कोई बात ना फारिस आपसे करना चाहते और ना मैं। इनफैक्ट आप लोगों ने जिस जगह हमें पहुंचा दिया, हम चाह के भी ऐसी कोई बात नहीं चाह सकते। ठीक है, मैंने तुम्हें दो ऑप्शंस दे दिए, फैसला कर लो। आजमा रही हैं आप मुझे? नहीं अलिश्बा, तुम्हें नहीं आजमा रही हूं बेटा, अपने आप को आजमा रही हूं। तुम्हारे दामन पे लगे हुए धब्बे जो उनको साफ करना चाहती हूं।